हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूनम 90 पर। अगर आपकी भी प्रेगनेंसी का 40 वीक कंप्लीट हो गया है और अभी तक यूट्रस ओपन नहीं हुआ है तो ऐसे कुछ मैं घरेलू उपायों के बारे में बताऊंगी जिनसे सर्विक्स ओपन करने में मदद मिलती है। तो प्रसव की पूरी अवधि 40 वीक यानी 9 महीने 7 दिन या कहें कि 2 से 80 दिन की होती है। आपको हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार कम से कम 39 वीक का इंतज़ार करना चाहिए। अगर 40 वीक के बाद भी लेबर पेन शुरू नहीं होता है तो ऐसे समय में कुछ नेचुरल तरीकों को आजमा सकते हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक्सरसाइज मोस्टली प्रॉब्लम को ठीक करने का घरेलू उपाय होता है। लेबर को ईजी बनाने के लिए भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। एक्सरसाइज तनाव को कम करती है, हार्ट रेट को बढ़ाती है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती है, ये मसल को भी स्ट्रॉन्ग करती है। अगर एक्सरसाइज से बच्चेदानी का मुंह ना भी खुले तो इससे हमारी बॉडी को बहुत सारे लाभ होते हैं। आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये आपकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ही बता सकते हैं। बिना डॉक्टर की सहमति के कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से आपको बचना है, अवॉइड करना है। अरंडी का तेल, बच्चेदानी का मुंह खोलने का आसान घरेलू उपाय होता है अरंडी का तेल। इसके लिए 30 ml या 58 ml तक अरंडी का तेल ले सकते हैं। इस तेल को पीने से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है जो गर्भाशय ग्रीवा को तैयार करने में हेल्प करता है, लेबर पेन शुरू करने में हेल्प होती है। मैंने भी अरंडी का तेल पिया था, डॉक्टर की सलाह पर मैंने 30 ml दूध में डालकर पिया था। हालांकि इसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है लेकिन पिया था। अरंडी का तेल आपको डॉक्टर की सलाह पर ही पीना चाहिए। अरंडी का तेल ज़्यादा मात्रा में लेने से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे डायरिया हो सकता है, मुझे नहीं हुआ था। खजूर, रिसर्च में भी ये बात साबित हो चुकी है कि प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में खजूर खाना बहुत फायदेमंद होता है। इससे सर्विक्स ओपन होने में हेल्प होती है। खजूर लेबर पेन होने पर गर्भाशय ग्रीवा को तैयार करने में मदद करता है और गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव को भी बढ़ाता है यानी चौड़ा करता है। आप वॉक कर सकते हैं, ये वॉक से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। वॉक करने से गर्भाशय ग्रीवा पर बच्चे के वजन से दबाव पड़ता है, इससे लेबर पेन हो सकता है और डिलीवरी समय से हो सकती है। हंसने से भी प्रसव को इजी बना सकते हैं, इससे टेंशन और डर को दूर कर सकते हैं। इससे बॉडी रिलैक्स होती है और गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव में मदद मिलती है। इसके लिए आप अपनी फ्रेंड सर्कल में बात कर सकती हैं, कॉमेडी शो देख सकती हैं, बच्चों के साथ बात कर सकती हैं। ब्रेस्ट निपल या स्टिमुलेशन के द्वारा भी आप सर्विक्स ओपन कर सकती हैं। मेडिकल रिसर्च में भी ये बात साबित हो चुकी है कि ब्रेस्ट या निपल को स्टिमुलेट करने से बच्चेदानी का मुंह खोलने में हेल्प मिलती है। निपल स्टिमुलेशन से ऑक्सीटोसिन का उत्पादन होता है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो गर्भाशय को सिकोड़ता है, कॉन्स्ट्रक्शन यानी संकुचन लाने में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन के कारण लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा घरेलू उपाय वो होता है एक्यूप्रेशर यानी एक्यूपंचर से भी गर्भाशय ग्रीवा को लेबर के लिए तैयार करने में मदद मिलती है। हेल्थ एक्सपर्ट भी इसकी सलाह देते हैं। इससे प्रसव को टाइम होने वाले जो प्रसव के टाइम होने वाले तेज दर्द को भी कम किया जा सकता है इसकी सहायता से। पाइनएप्पल से भी आप जो सर्विक्स का मुँह है उसे ओपन कर सकते हैं। पाइनएप्पल में ब्रोमेलेन एंजाइम होता है, एंजाइम टिश्यू में प्रोटीन को तोड़ता है। ये एंजाइम गर्भाशय ग्रीवा तक जाकर वहाँ टिश्यू को तोड़ने का काम करता है। इससे गर्भाशय ग्रीवा नरम हो जाती है और लीवर में आसानी होती है। पाइनएप्पल खाने से जीभ में झुनझुनी हो सकती है, मुंह में छाले भी हो सकते हैं।